हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक लैंडस्केप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको एक A4 वाइट शीट चाहिए। उसके बाद आपको पहले तो एक आर्ट लाइन्स लव आर्ट स्केच पेंसिल्स 8B की एक शेडिंग पेंसिल चाहिए। फिर आपको एक स्केल चाहिए, इरेजर चाहिए, शार्पनर चाहिए, एक नॉर्मल पेंसिल और कलर्स। तो बनाना शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले स्केल की मदद से आपको ट्रायंगल्स बनाना है। मैं आपको इसमें कलर भी करके दिखाऊंगा। आपको हल्का हल्का शीट पे चलाना है और ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल्स बनाने हैं। मैंने ये ट्रायंगल्स बना लिए। फिर आपको स्केल की मदद से आपको नीचे से लाइन भी खींचनी है। ऐसा आपका कुछ बनने लगेगा। फिर आपको यहाँ पे सन बनाना है। आप पहले तो एक कर्व दे दीजिए। अगर आपको इमोजीज भी बनानी है तो आप इसमें ऐसे आंखें दिखा के, नोज बना के मुंह कर दीजिए, आईब्रो बना दीजिए। अब ऊपर इसकी रेस्ता बना देते हैं। ऐसे आपको ऊपर की रेजेस बना लेनी है। फिर आपको ऐसे वाटर का सीन करना है थोड़ा थोड़ा। मैं कैमरामैन को बोलता हूँ कि वो अच्छे से करे, थोड़ा शेड प्रॉपर लिया है। फिर अब आपको यहाँ पे लैंड बनाना है। आपको ऐसे लाइन खींचनी है। फिर आपको कर्व देना है। कर्व देकर फिर और अच्छे से लाइन खींचनी है। फिर आपको ये जो है इसमें आप ऐसे, एक मिनट, आपको ऐसे कर्व करके आगे और लाइनें खींचनी है। ऐसे आप खींच दीजिए। फिर आपको ऐसे इसमें लाइन डालनी है। इससे लगेगा कि ये बिल्कुल रियल लैंड है। देखिए, आपको रियल लगेगा ये रियलिस्टिक। आपको बोर्ड बनानी है तो आप बोर्ड भी बना लीजिए। मैं आपको इसमें कलर भी करके दिखाऊंगा। बंदा बिठाना है, बंदा बिठा लीजिए। मैंने तो ऐसे ही बना दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे गर्ल बना दीजिए, बुशेस बना दीजिए। उसके बाद ऐसे घास बनाते जाएंगे। उसके बाद आपको हाउस बनाना है।
पहले आप ऐसे ट्राइंगल बना लीजिए, नॉर्मल साउस भी बना सकते हैं आपकी मर्जी हो तो, थोड़ी ये सॉरी ये थोड़ा सा नीचे आपको फिर यहाँ पे गेट बना लेना है, जैसा सिंपल ऊपर विंडो डालनी है विंडो डाल यहाँ पे भी डाल देते हैं यहाँ पे यहाँ पर। उसके बाद अब आपको मैं कलर कर देता हूँ। आपको पहले तो ऊपर की सीनरी के लिए एक रेड कलर चाहिए, रेड ऑरेंज और येलो। पहले आपको हल्का हल्का रेड चलाना है। आपको पहले डार्क डार्क करना है। आपको डार्क से लाइट 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 एंड लाइट लाना होगा। सॉरी गाइस, मैं अपना बार बार इसे डला लेता हूँ ड्राइंग के बीच में। एंड फिर आपको ऑरेंज इसमें मर्ज कर देना है। आप कोई से भी कलर्स ले सकते हैं, मैंने तो क्रेयॉन्स लिए हैं। एंड बाद में ये सनसेट हो रहा है, मैं नीचे नीचे येलो कर दी। इसमें भी थोड़ा सा मर्ज कर दीजिए। और आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कलर करते हैं तो आपको एक ही डायरेक्शन में करना चाहिए। आप जैसे अब मैंने ये स्लीपिंग में कर रखा, तो मैं ऐसे टेढ़ा करूंगा तो ना वो उसमें वो नहीं आएंगी, क्या कहते हैं, मैं आपको कुछ ऐसी तरीके की बना के दिखाऊंगा। ये भी मैंने ही बनाई है, मैं आपको ऐसी तरीके की बना के दिखाऊंगा, पर इसमें ट्री नहीं होंगे, अलग भी ट्राई करते रहना चाहिए। बहुत सारे ड्राइंग्स बना रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। याद रखिएगा आपको ये ढकना है और सन के ऊपर आप ऐसे ऑरेंज ऑरेंज कर देना, रेज में अंदर येलो कर देना। येलो इसलिए क्योंकि वो आग बबूला होता है, बिल्कुल आग बबूला कह रहा हूँ, उसमें गैसेस होती हैं हॉट। इसको आप मत समझ लेना जैसे आपने स्किन कलर कर दिया कभी, पर मत समझ लो।
रेड ज्यादा ही हो गया। आपको पहले रेड करना है, फिर ऑरेंज करना है एंड येलो। ये ना थोड़ी देर का काम होता है। वाटर को भी अभी हमको ऐसे ही शेड करना है। आपको क्रेयॉन्स को डार्क डार्क चलाना होगा रेड के ऊपर। ये थोड़ा सा खराब सा लग रहा है मुझे। अगर आप क्रेयॉन यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्शन बदल सकते हो। ये हमारी सीन ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका। फिर आपको वाटर के लिए डार्क ब्लू चाहिए होगा और डार्क ब्लू चाहिए होगा और आपको इसको लाइट ब्लू करना होगा। पहले आपको इसको डार्क ही रखना है। इससे आपको लगेगा कि ये, जैसे ये ओशन मान लेते हैं, ये ओशन बहुत दूर दूर तक है। फिर आपको डार्क से लाइट लाइट एंड लाइट एंड लाइट एंड आपको अगर यहाँ पे फेंस लगाना है तो आप फेंस लगा दीजिए। कलर टूट गया है अंदर। शेडिंग कर रहे थे तो शेडिंग भी करते हैं। आपको डार्क से लाइट 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 लाना है। बाय, देख ये तो टूट गया। ये बोट को भी कवर कर देते हैं। हमको पानी में नहीं डुबानी है बोट एक्चुअली। इसको पूरा कवर करेंगे। अब हम ग्रीनरी करेंगे, ओ सॉरी माउंटेन करते हैं पहले। उसके लिए आपको ब्राउन कलर ले लेते हैं। हाँ डार्क ब्राउन। इसको पहले तो आप सबसे पहले 8B की एक आर्ट लाइन की पेंसिल लिएगा। आपको ये स्टेशनरी पे इजीली मिल जाएगी।
आपको ऐसे आउटलाइनिंग कर लेनी है 8B की पेंसिल से माउंटेन्स पे, जो लैंडस्केप्स होते हैं ना, मतलब ये होते तो इजी हैं, इनको करने मतलब कि बनाने में लगती देर है, कलर करने में बनाने में। सन को भी कर लूँगा। ये 8B डार्क पेंसिल इसलिए है कि अगर आपको लाइट लाइट दिख रहा है तो ये डार्क कर सकती है, उससे भी मोर डार्क तो है। एक आप स्केच पेन ले लीजिए और स्केच पेन से डार्क की एक मार्कर ले लीजिए। अब हम ग्रीन ट्री करते हैं, हम जैसे एक माउंटेन कंप्लीट कर रहे हैं ऐसे ही हमको ये 2.5 माउंटेन कंप्लीट है। आप जितने मर्जी माउंटेन बना सकते हैं। अगर आपको कलरिंग की शेडिंग करनी है तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं कि कैसे करते हैं, और इसके लिए आपको 3 कलर चाहिए होते हैं। मैंने आपको बता दिया, फिर से बताता हूँ आपको, रेड, ऑरेंज एंड येलो। हमारे 2 3 हो चुके हैं। और आपको ब्राउन कलर और आपको यहाँ पे करना है, या आप यहाँ पे ब्लैक कर सकते हैं। ब्राउन मैं ब्राउन कर लेता हूँ। इससे लगेगा कि ये असली में लैंड है, या पेंसिल से, डार्क पेंसिल से भी ऐसे ब्लैक 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 कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसी से कर लेती हूँ। विंडो में आप येलो कलर कर, हाउस में आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं। मैं रेड कलर, आप कलरफुल भी कर सकते हैं। विंडो की ऊपर ही आ गया, गलती से नीचे का मैं येलो कर देता हूँ। आप हाउस में कर रहे हो ना, ब्राउन कलर से या ब्लैक पेंसिल से डोर को डार्क कर सकते हैं। ऊपर ब्राउन ब्राउन कर दीजिए। जो डोर की वॉल है उसको आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं। मैंने तो कलरफुल कर दिया। अब ग्रीन ट्री हमको करनी है,
ब्राउन ब्राउन इसलिए आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर कर दिया था और यहाँ पे ग्रीन भी कर दिया। आपकी स्किन भी खराब नहीं होती है। और ये हो गया हमारा खत्म, मतलब ऑलमोस्ट खत्म नहीं हुआ है। वाटर को मैंने लाइट करा है अभी, और अभी हमको एक ग्रीन ग्रास में भी करना है। मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर का रैपर उतार रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल अंदर घुस चुका। कोई नहीं, अब आपको बुशेज जो हमने बनाई थी उसमें आप ग्रीन ग्रीन कलर कर दी। आपको ना इस, आपको अगर आप डार्क करना पड़ेगा आपको, जिससे ये वाइट वाइट ना दिखे। हो गई गाइस फाइन, बोट बची हुई अभी। बोट में हम येलो नहीं, नहीं हम पिंक कलर नहीं, कौन सा कलर हम करते हैं, पर्पल सॉरी वायलेट, जो पर्पल लगा वायलेट। फ्लैग हम इंडिया कलर का कर देते हैं, पर हो नहीं पा रहा अच्छे से। फिर तो मैं कोशिश करूँगा। ऑलमोस्ट ये हो ही गया इंडिया कलर का। वाटर को और कलर कर दे। अभी जो ये खड़ा हुआ है पर्सन, इसको स्किन कलर से ढक ही दिया मैंने, फनी है ये। चलिए गाइस हो गया हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और आप सब्सक्राइब करके हमारे पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि हमको कैसे बनानी है। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके और वीडियोस आपको जल्दी मिलेंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।